नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। भर राजभर जाति को विमुक्त जाति ST का पूर्ण आरक्षण की मांग को लेकर राजभर समाज के लोगों ने सरयू पांडे में सोमवार को धरना दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हमारी जाति भर राजभर जाति की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति काफी दयनीय है। आजादी के 70 साल के बाद भी हमारी जाति बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारी जाति को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पिछड़े को 27% आरक्षण का पूरा फायदा हमको नहीं मिलता। पिछड़े वर्ग की मजबूत जातियां इस आरक्षण का फायदा उठाती आ रही हैं। अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस अवसर पर प्रधान आकाश राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्नीलाल राजभर, ब्रिजराज राजभर, शिवबली राजभर, मुसाफिर राजभर, धर्मेंद्र राजभर आदि मौजूद रहे। जनपद नोडल अधिकारी समीर वर्मा, सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने सोमवार को राइफल क्लब सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनपद में चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान, स्वच्छता अभियान, पेयजल की व्यवस्था, जल भराव, फॉगिंग की व्यवस्था तथा कराए जा रहे अन्य कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जनपद में कौन कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, रोजाना कितने स्वैब टेस्ट किए जा रहे हैं आदि की जानकारी ली तथा अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने जले ट्रांसफार्मरों को कब बदला जा रहा है आदि की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व राजेश कुमार सिंह, प्रभारी CMO प्रगति कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कनेरी गांव में घटी घटना को लेकर पिछले कई दिनों से दो जातियों में आक्रोश व्याप्त है। इस आक्रोश को कुछ लोग राजनीतिक हवा देकर सामाजिक द्वेष फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की घोर निंदा की जानी चाहिए। ये बातें जिला पंचायत सदस्य धर्मदेव यादव ने सोमवार को अपने आवास पर ग्राम प्रधानों और बुद्धिजीवियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से सादात में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। कनेरी की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, ये मात्र एक संयोग था। इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह उर्फ हकालू सिंह से हमारा पुराना संबंध है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने मेरी काफी मदद की है। क्षेत्र में मेरा संबंध पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों से काफी मधुर रहा है। कमलेश सिंह उर्फ हकालू यादवों के विरोधी नहीं है। इस मौके पर बहरियाबाद के ग्राम प्रधान डॉक्टर निशार अहमद, ग्राम प्रधान राम समूज यादव, राणा यादव, प्रमेश यादव, लाल चंद्र चौहान, महेंद्र यादव, राम अवध सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय के आह्वान पर एक बार फिर से युवाओं ने रक्तदान कर युवती को जीवन दान देने का काम किया। मालूम हो कि चौबेपुर मोहम्मदाबाद निवासी कुमारी आर्या चौबे अपनी बीमारी की हालत में जमानिया मोड़ के पास स्थित सिंह अस्पताल उपचार करा रही थी। अचानक खून की अत्यधिक कमी के कारण PG कॉलेज के छात्र शिवम दुबे और परिजनों ने रक्तदान के लिए काफी भाग दौड़ की। खून की व्यवस्था न होने पर दीपक उपाध्याय से संपर्क किया और अपनी परेशानी बताई। इसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए श्री उपाध्याय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये बातें शेयर की तो उनकी बातों का संज्ञान लेते हुए उनके मित्र अंशु पांडे और देवेंद्र मिश्र जी ने रक्तदान कर युवती को जीवन दान देकर नेक कार्य किया। उनके इस नेकी की लोगों ने सराहना की है। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव के पास से सोमवार की सुबह मोबाइल छीनने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से छीने गए मोबाइल के साथ ही बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि बीते शनिवार को बलिया जिला के मंगरौली गांव निवासी कृष्ण मुरारी की मोबाइल क्षेत्र के बखरिया डीह गांव के पास बाइक सवार बदमाश उस समय छीनकर भाग गए थे जब वो मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे। पीड़ित द्वारा मामले की तहरीर दी गई। चौकी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने सर्विलांस के जरिए क्षेत्र के नेवादा गांव निवासी बदमाश लक्ष्मी नारायण राय तक पहुंच गए। उन्होंने सुबह करीब 10 बजे नेवादा गांव के पास उसे गिरफ्तार किया। छीनी गई मोबाइल के साथ ही बिना नंबर की बाइक बरामद की। अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया।